बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स के बारे में कि पॉलीगॉन्स कैसे होते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है कोई क्विज में भी आता होता है, क्योंकि क्विज से मुराद आपके एमसीक्यूज में, आपके किसी भी एंट्री टेस्ट में। तो आज हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है, ताकि कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए तो आप मिस्टेक ना कर सकें। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है कि वो फोर साइडेड कवर्ड होता है, फोर साइडेड। लेकिन फोर साइडेड कवर्ड तो स्क्वायर होता है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन से हम स्क्वायर को सिर्फ नहीं खत करते, अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि हम उसको सिर्फ स्क्वायर का कह देते हैं। नहीं, पॉलीगॉन इज डिफाइंड एज एनी शेप whose all sides are close। ये हमारा पॉलीगॉन होता है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्लोज होती हैं, वो कहीं से खुली हुई नहीं होती। जैसे आप यहाँ शेप्स में आप मुझे बता दें कि कौन कौन से पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है। ये पॉलीगॉन है हमारे पास क्योंकि इसके चारों साइड्स क्लोज होती हैं, स्क्वायर है। इसी तरह से ये इरेगुलर शेप है लेकिन है ये पॉलीगॉन। इसी तरह से ये इसके कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेप्टागॉन, लेकिन ये भी पॉलीगॉन है। लेकिन इसकी साइड्स ऑल क्लोज नहीं हैं तो ये पॉलीगॉन नहीं है। इसी तरह से रेक्टेंगल हमारे पास पॉलीगॉन है, पैरेललोग्राम भी हमारे पास है, सर्कल भी क्लोज है, इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं, लेकिन ये स्पेशल पॉलीगॉन है, ठीक है। ये रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन है, और जो सारे क्लोज नहीं होते वो पॉलीगॉन नहीं होते। तो पॉलीगॉन की ये पहचान होती है कि उसकी सारी साइड्स क्लोज होती हैं। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसको स्क्वायर से अक्सर करते हैं। अक्सर टेस्ट में चेक करती हूँ तो मुझे ऐसे टेस्ट आते हैं कि स्क्वायर से हम रिलेट करते हैं। नो, पॉलीगॉन इज ऑल फॉर ऑल शेप्स दैट आर इनक्लोज, ठीक है। स्क्वायर जो है पॉलीगॉन की एग्जांपल है, स्क्वायर की एग्जांपल पॉलीगॉन नहीं है, ओके। आपने इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।